दोस्तों, क्या आप भूत प्रेत आत्माओं में विश्वास करते हैं? क्या भूत प्रेत आत्माएं होती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिलो दिमाग पे रहता है। हम उसके बारे में सोचते हैं, कुछ लोग उस पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग उस पर विश्वास नहीं करते। मैंने बहुत कुछ रिसर्च किया, बहुत कुछ पढ़ा, कुछ थ्योरीज को पढ़ा और अपनी एक थ्योरी बनाई जो ये एक्सप्लेन करती है कि भूत प्रेत आत्माएं होती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिकली प्रूफ करूंगा कि भूत प्रेत आत्माएं होती हैं और कैसे हमारा पुनर्जन्म होता है और कैसे आत्माएं इर्द गिर्द हमारे घूमती रहती हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस थ्योरी को सुनने के बाद आपको ये विश्वास हो जाएगा कि भूत प्रेत आत्माएं होती हैं और वो कैसे एग्जिस्ट करती हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। क्योंकि मेरी बनाई हुई थ्योरी है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। अगर आपको लगता है मैं गलत हूं और आपकी थ्योरी कुछ और कहती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तो इस थ्योरी की शुरुआत होती है हमारे इर्द गिर्द से, हमारे आसपास। हमारे आसपास क्या है? हमारे आसपास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे इर्द गिर्द हमेशा होते हैं, हर तरफ होते हैं। पर ये होते क्या है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जब कोई इलेक्ट्रॉन पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, या मैं कहूँ कोई चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स बनाता है। अब ये वेव फॉर्म में कैसे आती है? क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये लाइट की स्पीड से स्पेस में ट्रैवल करती हैं, पर इनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो दोनों फील्ड्स हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और परपेंडिकुलर होने के कारण ये एक वेव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एक्सेलरेट होने मतलब, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाते हैं, एक्सेलरेट होना मतलब कि पर्टिकुलर स्पीड और डायरेक्शन उनका सेम नहीं होता, वो अलग डायरेक्शन में जब मूव करते हैं उसको एक्सेलरेट करना कहते हैं। अब मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म करता है। ये साइंटिस्टों ने प्रूफ कर रखा है। पर अब आप कहेंगे कि इसका ह्यूमन बॉडी से और आत्माओं से क्या संबंध है? संबंध ये है कि जब कोई इंसान मरता है तो उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो वीक हो जाती हैं, टूटने लगती हैं। ह्यूमन बॉडी का सेलुलर स्ट्रक्चर टूटने लगता है और जब ये सेलुलर स्ट्रक्चर टूटता है तो वो एंजाइम्स रिलीज करता है और फिर जब फर्दर एंजाइम्स टूटती हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं। तो अगर आप मोटा मोटा समझें तो जब कोई इंसान मरता है तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, उसकी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करती है। ये आपको इससे भी सिद्ध होगा क्योंकि जब कोई इंसान मरता है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स डॉक्टर लगा देते हैं जो उसकी बॉडी की इलेक्ट्रिकल करेंट्स को मेजर करते हैं। वो एक्चुअली उनके इलेक्ट्रॉन्स के रिलीज और इलेक्ट्रॉन्स की एक्टिविटीज को मेजर करते हैं। तो जब कोई इंसान मरता है तो उसकी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो एस्केलरेट होते हैं, उनकी स्पीड, उनका डायरेक्शन सेम नहीं होता। और जब ऐसा होता है तो वो क्या करते हैं, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म करते हैं। तो जब इंसान मरता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे इर्द गिर्द और आत्माओं के रूप में मौजूद होती हैं। अब इस थ्योरी में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन ये आता है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो ऐसा कैसे लोग कहते हैं कि यार ये उसकी आत्मा है, ये फलाने की आत्मा है, ये उसकी आत्मा है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो सारी आत्माएं सेम है। तो इसका भी इस थ्योरी में जवाब है। होता यूं है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेम नहीं होती, क्योंकि वो डिपेंड करती है उसके डायरेक्शन और उसकी फ्रीक्वेंसी पर। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि कोई दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पीड सेम डायरेक्शन से रिलीज हो, वो अलग अलग पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। और जब एक इंसान मरता है उसके इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट पैटर्न क्रिएट करेंगे, कोई दूसरा इंसान मरेगा उसके इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट करेंगे। इस तरीके से दोनों मरे हुए इंसानों की आत्माएं डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करती हैं। अब जब डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डिफरेंट आत्माएं होंगी, अलग अलग अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को लेके आई हैं।
दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। इन दो पैरामीटर्स स्पीड और डायरेक्शन के बेस पे उनकी अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म होती है। तो यहां तक तो थ्योरी समझ में आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला ये फंडा एक बात और से भी क्लियर होता है। कहते हैं जब कोई बूढ़ा इंसान मरता है तो उसकी जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो एंजाइम्स होती हैं, वो ऑलरेडी वीक हो चुकी होती हैं, उसकी कोशिकाएं वीक हो चुकी होती हैं। तो जब वो मरता है तो इलेक्ट्रॉन्स कम रिलीज करता है, कम एक्सेलरेट होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स, तो उनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो वीक फॉर्म होती है। वहीं कोई अगर स्ट्रॉन्ग आदमी मरता है या कोई यंग बॉडी मरती है तो वो उनकी, क्योंकि कोशिकाएं बहुत स्ट्रांग हैं, उनकी एंजाइम्स बहुत स्ट्रांग हैं, वो ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं और एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करते हैं। तभी आपने सुना होगा, कई बार लोग कहते हैं कि जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति मरता है ना, 80-90 साल का व्यक्ति मरता है, तो उनके जाने का एहसास कम होता है। लेकिन वहीं कोई आकस्मिक मौत मरता है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई यंग जवान मर जाता है, तो उनकी मौजूदगी हमें ज़्यादा महसूस होती है। हमें लगता है कि वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, हमारे आसपास मौजूद है। वो शायद इसीलिए क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि इतनी स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं जो हमको फील होती है। लेकिन वहीं जब कोई बुजुर्ग मरता है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती, हमको वो फील नहीं होती। लेकिन अब सवाल आता है, तो फिर पुनर्जन्म कैसे होता है? पुनर्जन्म का किस्सा अगर मैं आपको बताऊं तो ये पूरी थ्योरी समझ में आती है हमको 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक थ्योरी से। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी थ्योरी ये कहती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनमें प्रोटॉन्स होते हैं। इन्होंने प्रोटॉन्स को इंट्रोड्यूस किया और ये कहते हैं कि प्रोटॉन्स में एनर्जी होती है। लेकिन अगर ये प्रोटॉन किसी इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करते हैं तो ये अपनी पूरी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर कर देते हैं। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि पुनर्जन्म होता कैसे है। देखिए, जब कोई मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ इंटरकोर्स करते हैं और एक बेबी फॉर्मेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले क्या होता है, पहले दिन से बेबी की हार्ट बीट नहीं आती, इसको फीटल बोलते हैं। फीटल में पहले दिन ही से हार्ट बीट नहीं आती। सबसे पहले फीटल फॉर्म होने लगता है जब ह्यूमन एक मेल स्पर्म और एक फीमेल एग कोलाइड करते हैं, तो सबसे पहले प्रोटीन्स और मॉलिक्यूल्स क्रिएट होते हैं। जब ये प्रोटीन्स एंड मॉलिक्यूल्स क्रिएट होते हैं, उसके बाद कुछ हफ्तों के बाद ये इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन बनता है। अब जब ये पहला इलेक्ट्रॉन बनता है, वही वक्त होता है जब उसके आसपास की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो उस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करती हैं, उनके जो प्रोटॉन्स हैं वो उस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं और अपनी एनर्जी को उस इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर कर देते हैं। बस उसी के बाद उस फीटल में हार्ट बीट आ जाती है। अगर आप किसी बेबी ग्रोथ के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 3-4 वीक्स के बाद बेबी में हार्ट बीट आ जाता है। जब हार्ट बीट आता है उसके बाद ही बॉडी के सारे ऑर्गन्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रोटॉन ने अपनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दी जिससे कि हार्ट बीट आ गई, उस इलेक्ट्रॉन में जान आ गई। अगर आप उसको दूसरे शब्दों में समझें तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो किसी मरे हुए इंसान की आत्मा थी, जो उस इलेक्ट्रॉन के, जो उस फीटर के आसपास ऑलरेडी मौजूद थी, वो उस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करती है और अपनी एनर्जी, अपनी प्रॉपर्टीज उस इलेक्ट्रॉन में डाल देती है। तभी कई लोग कहते हैं ना कि यार ये तो ना मेरे पिताजी का दोबारा जन्म हो गया, ये तो मेरी माताजी का दोबारा जन्म हो गया। तो पॉसिबल है, हो सकता है, क्योंकि जो जिनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्रांग है वो आपके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करती हैं। और जब आपके अंदर उसी वक्त जब उनके प्रोटॉन्स इतने स्ट्रांग हैं, उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इतने स्ट्रांग है, उस वक्त अगर आपने एक फीटल डेवलप किया जिसमें पहला इलेक्ट्रॉन डेवलप हुआ, तो क्वाइट पॉसिबल कि उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपके उस फीटल से कोलाइड करें, उस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करें और प्रोटॉन्स अपनी एनर्जी ट्रांसमिट कर दें। और जब प्रोटॉन्स अपनी प्रॉपर्टीज उस इलेक्ट्रॉन में डालेंगे तो ऑब्वियस ही बात है वो पुनर्जन्म उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होगा जो आपके ही कोई रिश्तेदार थे। पर अक्सर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि आपके रिश्तेदारों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके आसपास ना हो। ये एक थ्योरी है जो साइंटिफिकली एक्सप्लेन करती है कि आत्मा एग्जिस्ट करती है और कैसे पुनर्जन्म की पूरी प्रोसेस होती है। तभी आपने देखा होगा कि जो पैरानॉर्मल पैरानॉर्मलिस्ट एक्टिविटीज करते हैं, जो
अलग अलग खंडरों में जाके, अलग अलग बंगलों में जाके भूत प्रेतों को उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो क्या यूज करते हैं, वो आजकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा किसी कोने में एक इक्विपमेंट रख देते हैं, फिर वो इक्विपमेंट बीप करने लगता है और वो कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम फील कर सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिख रहे हैं, इसलिए वो बीप कर रहा है। जहाँ पे हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं वहाँ पे बीप की स्पीड बढ़ जाती है। तो ये क्यों, आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ही तो मेजर कर रहे हो। तो ये वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो इंसान के मरने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होकर बाहर आते हैं वो अपनी खुद की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्रिएट करते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस जगह घूमते रहते हैं इस इंतजार में कि कब उनको एक फीटल का पहला इलेक्ट्रॉन मिले और वो अपने प्रोटॉन की सारी एनर्जी, अपनी सारी प्रॉपर्टीज उसमें ट्रांसफर कर दें। तो कई आपने देखा होगा भूत बंगले या खंडरों में कहते हैं कि आत्माएं भटक रही हैं। क्यों? क्योंकि जब वहां पर भटक रही हैं उनको कभी वहां पर कोई फीटल नहीं मिला, क्योंकि उन खंडरों में कोई प्रेग्नेंट नहीं हो रहा। जब कोई प्रेग्नेंट होगा और उस वक्त उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अगर मान लीजिए कोई लेडी, प्रेग्नेंट लेडी जो वहां पर जाती है खंडर, और वहां पे जब आत्माएं ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहां पे अवेलेबल हैं, और जब उसका पहला इलेक्ट्रॉन, बहुत प्रोबेबिलिटी कम है पर मान लीजिए उसका पहला इलेक्ट्रॉन तभी क्रिएट होता है जब वो उस खंडर में है, तो क्वाइट पॉसिबल कि उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रोटॉन्स उसके अंदर कोलाइड कर जाए और अपनी प्रॉपर्टीज को छोड़ दें। पर क्योंकि खंडरों में, भूत बंगलों में ऐसा होता नहीं, वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज जाती नहीं है या वहाँ कोई पहला इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं होता, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वहीं पर मौजूद रहती है, जिसको हम कहते हैं कि आत्माएं भटक रही हैं। ये एक थ्योरी है, ये मैंने बनाई हुई थ्योरी है, जो हमारा चैनल है थ्योरी, इस पर हम अलग अलग टाइप की डिफरेंट थ्योरीज देते हैं। शायद ये थ्योरी आपको इंटरेस्टिंग लगे, छोटी सी थ्योरी है, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक की बटन जरूर दबाना, शेयर करना ताकि और भी लोग जान सके कि भाई आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं है, वो केवल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। कमेंट करके बताना कि थ्योरी आपको कैसी लगी, और अगर आपका व्यू पॉइंट डिफरेंट है तो भी मुझे बताना जरूर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगली थ्योरी के साथ। बाय बाय।